22 साल की एक डॉक्टर सुबह सुबह अपनी स्कूटी से हॉस्पिटल जा रही थी। बीच रास्ते में उन्हें स्कूटी में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई तो उन्होंने अपनी स्कूटी एक टोल प्लाजा के पास पार्क कर दिया और कैब करके हॉस्पिटल चली गई। देर रात को जब वो हॉस्पिटल से टोल प्लाजा के पास वापस आई तो उन्होंने अपनी स्कूटी का पिछला टायर पंक्चर पाया। ये देखकर वो थोड़ी चौंक गई और इस बात की जानकारी उन्होंने अपनी बहन को दी और कहा कि मुझे कुछ लोग मदद के लिए मिल गए हैं, मैं घर आ रही हूँ। उसके बाद से डॉक्टर का फोन लगना बंद हो गया। फोन स्विच ऑफ आने की वजह से घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन किया। पुलिस ने जब छानबीन किया तो पुलिस को डॉक्टर की जली हुई लाश मिली और पता चला कि डॉक्टर का बुरी तरीके से रेप करके उन्हें जिंदा जला दिया गया है। दरअसल वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी थी। आजकल ऐसी घिनौनी वारदात हमारे देश में इतनी आसानी से की जाती है मानो जैसे ये आम बात हो गया हो। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाया तो याद रखना कल ये हादसा आपके घर में बैठी किसी बहन बेटी के साथ भी हो सकती है। शुक्रिया।